दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक नई भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। जितने भी 10th पास छात्र हैं यानी कि मैट्रिक पास छात्रों के लिए यहाँ पे सुनहरा मौका रहने वाला है। इसमें जो है 12,000 से ज्यादा पदों पे जो नई भर्ती है वहाँ पे निकाली गई है। और अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अब किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होने वाला है, कब से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होने वाला है, सब कुछ मैं आप लोग को पूरा डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें जो आप लोग का पोस्ट रखा गया है वो बीपीएम और एबीपीएम का पोस्ट रखा गया है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पद है वो यहाँ पे रखा गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू किया जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से ये वैकेंसी निकाली गई है, क्या आप लोग का एलिजिबिलिटी रहने वाला है और कब से आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वहाँ पे होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो नई वैकेंसी है इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पे लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना और लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलता है। लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट जॉब में आप लोग को चेक करना है इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो यहां पे आपको जो क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वहां पे ओपन हो जाएगा। यहां पे देख पाओगे आप लोग का जो पोस्ट है वो ओपन हो चुका है। नीचे कीजिएगा तो यहां पे मैंने जो पूरा जानकारी दे रखा है, थोड़ा सा आप नीचे तो यहां पे देख लीजिए कि नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया। तो यहां पे 12,828 पद पे जो है आप लोग यहां पे बहाली होने वाला है और कल से जो है आप लोग का इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 22/5 से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन यहां पे शुरू कर दिया जाएगा। आज 21 तारीख है, कल से आप लोग यहां पे ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहां पे इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है। तो जो मैंने आप लोग को बताया कि यहां पे 22 तारीख से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है और 11/6 तक आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहां पे चलने वाला है। यहां पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो आप लोग का जनरल और ओबीसी EWS वाले जो छात्र होंगे उनको ₹100 देना होगा और यहाँ पे SC ST PWD और फीमेल के जो छात्र होंगे उनको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देना है, उनके लिए जो आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको करना है थोड़ा सा और यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलता है, यहीं पे जो है आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो आप लोगों का नोटिस है वो 20/5/2023 को यहाँ पे जारी किया गया है, यानी कि कल जो है आप लोगों का नोटिस जारी किया गया था 20 तारीख को पे नोटिस जारी किया गया था। और यहां पे जो पद रहने वाला है दोस्तों वो आप लोगों का ग्रामीण डाक सेवक कहां पे पद रहने वाला है, जिसमें कि यहां पे ब्रांच पोस्टमास्टर यानी कि बीपीएम जो कि आप लोगों का ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत ही आता है, जिसमें कि आप लोगों का बीपीएम का पोस्ट रहने वाला है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर कहां पे पद रहने वाला है यानी कि एबीपीएम का जो पद है वो यहां पे होने वाला है। तो ये जो दोनों आप लोगों का पोस्ट यहां पे रखा गया है, यहां पे बताया गया कि एप्लीकेशन R2B सबमिटेड ऑनलाइन 8 यहां पे आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन होने वाला है, ये यहां पे जानकारी दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहां पे आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन का डेट बताया गया। तो सबसे पहले 22/5 से आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है और 11/6 तक आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे चलने वाला है। फिर 12/6 से लेकर 14/6 तक आप लोग यहाँ पे जो आवेदन में कुछ गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पे सैलरी के बारे में जानकारी दिया गया। अगर आप लोग ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए यहाँ पे आवेदन करते हैं और इसमें अगर आप लोग यहाँ पे होता है तो आप लोग को ₹12,000 से सैलरी यहाँ पे शुरू होने वाला है और ₹29,380 तक यहाँ पे जो सैलरी है वो यहाँ पे जाने वाला है। और एबीपीएम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का ₹10,000 सैलरी शुरू होने वाला है और ₹24,470 तक यहाँ पे जो सैलरी है वो आप लोग का जाने वाला है। तो ये जो है आप लोग का पोस्ट रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जो जानकारी दिया गया कि ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या करते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग का डिटेल में जानकारी है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम आप लोग का एज है वो 18 साल आप लोग का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल तक यहाँ पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो अलग अलग कैटेगरी होते हैं जैसे कि यहाँ पे SC ST वाले हैं तो उनको जो उम्र सीमा में छूट मिलता है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया कि अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल आप लोग को उम्र सीमा में छूट मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल कहां पे मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी यहां पे आप लोगों का छूट नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पे जो 10 साल का आप लोगों का छूट रहने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दिया गया है। फिर नीचे की जगह तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दिया गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया कि क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जब आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया यानी कि 20 तारीख तक जो है आप लोग यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन पूरा किए होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। सबसे पहले देख लीजिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वहाँ पे आप लोगों को देना होगा, जिसमें कि आप लोगों का मैथमेटिक्स और इंग्लिश यहाँ पे होना चाहिए। तो लगभग सभी का जो है 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश होता है तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान
रख रहा हैविंग बीन स्टडी एज ए कंपलसरी, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट में जो है आप लोगों का मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और आप किसी भी बोर्ड से यहाँ पे पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। साथ में दोस्तों एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है कि द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहां का लोकल लैंग्वेज रहेगा वो लोकल लैंग्वेज भी आप लोगों का कंपलसरी होना चाहिए। मान लीजिए कि आप बंगाल में आवेदन कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल का आप लोगों का बंगाली रहता है, तो बंगाली आप एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े होना चाहिए कंपलसरी, तभी आप यहाँ पे जो है आवेदन कर पाइएगा। तो इस बात का भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ और क्वालिफिकेशन आप लोगों का होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये सब जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया, आप नीचे कीजिएगा तो और भी यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी है, जैसे कि यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए आप लोगों का जानकारी दिया गया कि किस किस प्रकार की डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप चाहे तो इसको एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो ये सीधी भर्ती होती है, यानी कि जो आप लोग का 10th में नंबर है उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे मेरिट बनता है और उसी के हिसाब से आप लोग का जो सिलेक्शन है वहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को बताया गया कि द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि सिस्टम से आप लोग का मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाता है। और 10th अगर आप पास है, जितना भी आप लोग का 10th में सब्जेक्ट आया है, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो मेरिट बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बहाली आया हुआ है, मैंने आप लोग यहाँ पे पूरा जानकारी दे दिया है। कल से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है, आप लोग को ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है यहाँ पे लिंक ऑनलाइन अप्लाई का मिल जाता है, क्लिकर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है नई भर्ती है, अच्छी भर्ती है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप लोग का नई बहाली यहाँ पे निकाली गई है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तक के लिए धन्यवाद।